हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं स्किन केयर के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि स्किन हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है, तो उसकी हमें उतनी ही केयर करनी चाहिए जितना हम बाकी अपनी बॉडी की केयर करते हैं। बट कहीं ना कहीं हम उसको नेगलेक्ट करते हैं और कई ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जो कि हमारे स्किन के लिए सूटेबल नहीं होते, और हम उन्हें यूज़ करते रहते हैं। और जब उनसे स्किन प्रॉब्लम्स आती हैं तो कई तरह के डाइट प्लान में चेंज करते हैं, कई तरह की दवा फिर खाने लगते हैं, और कई तरह के उन्हीं से रिलेटेड प्रोडक्ट चेंज करते हैं। मतलब हम नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते, हम उसी में ही कुछ इधर उधर करके वही सब प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और बाकी स्किन की प्रॉब्लम और बढ़ती रहती है। जैसे कि बॉडी में डाइट होती है, जितनी नेचुरल हो, जितनी हमारी बॉडी के टाइप के हिसाब से हो, उतना बॉडी को वो सूट करेगी, उतने बॉडी अच्छी रहेगी। उसी हिसाब से हमें स्किन पे भी वही चीज़ यूज़ करनी चाहिए जो कि नेचुरल हो और जो कि हमारे स्किन टाइप को सूट करे। इसी में ही अगर बात करें तो हमारे फेस की जो स्किन होती है वो और भी ज़्यादा थिन और सेंसिटिव होती है, तो उसमें हमें और ज़्यादा केयर की ज़रूरत है और ज़्यादा अच्छे प्रोडक्ट लगाने की ज़रूरत है। तो जो बेसिक चीज़ जो अपने फेस के लिए हम लोग करते हैं वो है फेस वॉश, तो हमें उसे सही से चूज़ करना चाहिए, अपने स्किन टाइप के हिसाब से लेना चाहिए और कोशिश करें कि 100% नेचुरली यूज़ करना चाहिए। तो आइए चलिए आज आपसे शेयर करता हूँ मैं अपने फेस वॉश के बारे में, जो कि मैं काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ और जिसके रिजल्ट्स कमाल के हैं, जो कि हर कोई यूज़ कर सकता है, चाहे आपकी स्किन टाइप कैसी भी हो, चाहे आपकी स्किन टाइप ऑयली हो, ड्राई हो या नॉर्मल हो या सेंसिटिव हो, चाहे आपको एक्ने या पिंपल आते हो, चाहे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा टैन होती हो, और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इस फेस वॉश के। और ये बहुत ही कॉमन इंग्रेडिएंट है किचन में भी, जो कि बहुत ज़्यादा खाने के लिए भी यूज़ होता है, चाहे आप पकौड़ाज में खाओ या फिर लड्डू में खाओ, आप इसे हर चीज़ में पसंद करते हैं। तो वो क्या हो सकता है? ऑफकोर्स वो है बेसन। हाँ दोस्तों, बेसन जो कि सदियों से हमारी कुकिंग में यूज़ होता आया है, बट इसके स्किन बेनिफिट्स हम लोग नहीं जान पाए। बल्कि अगर हम अपने दादा दादी या नाना नानी से पूछें तो उन्हें जरूर बेसन के फ़ायदे पता होंगे हमारे स्किन के लिए, क्योंकि पहले ज़माने में स्किन बेनिफिट्स के लिए बेसन बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। तो आज इंटरनेट के थ्रू हम इसके बारे में फिर से चर्चा कर पा रहे हैं, इसके बारे में और ज़्यादा जान पा रहे हैं। आज अगर आप गूगल या यूट्यूब पर सर्च करें कि बेसन के स्किन के लिए क्या क्या फ़ायदे हैं, तो आपको बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे जिसमें फ़ायदे ही फ़ायदे बताए गए हैं। मैंने भी इसे यूट्यूब से ही जाना, जब मैं एक फेस वॉश के लिए यूट्यूब पे ऐसे ही सर्च कर रहा था तो मुझे मिला कि बेसन एज फेस वॉश, तो मैंने ऐसे ही वीडियो देख लिया कि बेसन कैसे फेस वॉश के लिए अच्छा काम आ सकता है। और उस वीडियो को देखने के बाद मुझे मन हुआ कि नहीं, एक बार ट्राई तो करना बनता है। और जब मैंने ट्राई किया तो मुझे सच में बहुत ही अच्छा लगा उसको यूज़ करके, मुझे सच में अपने स्किन में इम्प्रूवमेंट्स दिखे, तब मैंने उसे डेली ट्राई करना शुरू किया। और अब मैं लगभग हर रोज़ यही फेस वॉश यूज़ करता हूँ, और आप इसको खुद ट्राई करके इसके रिजल्ट्स देख सकते हैं जो कि बिल्कुल जेन्युइन होंगे। अब दोस्तों जान लेते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। इसको अप्लाई करना बहुत ही सिंपल है, एक फेस वॉश की तरह। जैसे कि आपको अपना पहले पूरा चेहरा धो लेना है अच्छे से, उसके बाद आपको थोड़ा सा बेसन लेना है, उसको डायरेक्टली अपने चेहरे पर अप्लाई करना है और नेक पर अप्लाई करना है अगर चाहें तो, उसके बाद थोड़ा देर बाद उनको धो लेना है। पहले वॉश से ही आप देखेंगे बहुत ज़्यादा फ़र्क अपनी स्किन पर। वैसे तो दोस्तों नॉर्मल बेसन ही आपके लिए सही है फेस वॉश की तरह, बट कई लोगों की स्किन ड्राई होती है और बेसन उनकी स्किन को और ज़्यादा ड्राई कर देता है, तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें थोड़ा सा मिल्क या फिर थोड़ी सी दही या फिर थोड़ा हनी, तीनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं बेसन के साथ, पेस्ट जैसा बना के आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपकी ड्राई स्किन की प्रॉब्लम को ये दूर कर देगा। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसमें लेमन ऐड कर सकते हैं, डायरेक्टली बेसन में लेमन ऐड करके और पेस्ट बना के आप इसको चेहरे पे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम है तो इससे आप एक फेस पैक भी तैयार कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा बेसन में थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी दही मिला के इसको मिक्स कर देना है, और अगर आपके पास चंदन का पाउडर हो तो वो भी आप मिला सकते हैं, और चारों को मिला के आप अच्छे से अप्लाई करके और 10-15 मिनट छोड़ सकते हैं, उसके बाद इसे वॉश कर लें। इसको करने से ही आपकी फेस टैनिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और अगर आप रेगुलर फेस वॉश करते हैं और वीकली कभी कभी फेस पैक लगा लेते हैं तो आप देखेंगे आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे, आपकी स्किन की प्रॉब्लम धीरे धीरे जाने लगेगी और जैसे लगेगा कि आपका फेस बिल्कुल नया सा हो गया है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप बेसन को यूज़ कर सकते हैं एज अ फेस वॉश या फिर एज अ फेस पैक, और जिस चीज़ के इतने ज़्यादा बेनिफिट है उसको एक बार तो ट्राई तो करना बनता है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपने एक बार ट्राई किया तो आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप इसको बार बार करेंगे और कोई भी और फेस वॉश लेने आप जाएंगे ही नहीं।
और दोस्तों अगर आप स्पेसिफिक स्किन टाइप या स्पेसिफिक स्किन प्रॉब्लम के हिसाब से फेस पैक चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक एक दे रहा हूँ जिसमें कई तरह के ऐसे फेस पैक बताए गए हैं अपनी स्पेसिफिक स्किन प्रॉब्लम के हिसाब से, तो उन्हें आप ट्राई कर सकते हैं और रिजल्ट्स देख सकते हैं। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया दोस्तों तो इसे लाइक कर देना और कमेंट करके बताना अगर आपने ये फेस वॉश यूज़ किया है तो आपको क्या रिजल्ट्स मिले। और अगर आपको इसी तरह के स्किन या स्किन केयर रिलेटेड और वीडियोस चाहिए तो इस वीडियो को एक लाइक भी करना और नीचे कमेंट करके भी बताना कि आपको इस तरह के वीडियोस चाहिए। तो टिल देन दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।